हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू पीसीएस सक्सेसफुल एस सक्सेसवेल सिक्सटी सेवंथ बी एग्ज़ाम का अभी भी असमंजस बरकरार है एग्ज़ाम कब होगा अभी कुछ नहीं आइडिया है कुछ नहीं पता है आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन हम एग्जाम की तिथि के ऊपर अब ध्यान नहीं देंगे हम फोकस करेंगे अपनी तैयारी के ऊपर सो शुरू करते हैं मार्च का दो का करेंट अफेयर्स एडिटोरिया मैगजीन से पहला पॉइंट है द नागालैंड असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट असेंबली टू बिकम कम्प्लीटली पेपरलेस बाय इंप्लीमेंटिंग द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा प्रोग्राम फॉर नाउ ऑन द लेजिस्टिव फंक्शन हेयर विल भी कंडक्टेड डिजिटली सो नागालैंड असेंबली पहला असेंबली बना है जो अपना जो लेजिस्टिव फंक्शन है उसको डिजिटली कंडक्ट करेगा थ्रू नेवा प्रोग्राम सो so, नेवा प्रोग्राम कहाँ का है नागालैंड असेंबली का है ये कंप्लीटली लेजिस्टिव असेंबली को पेपर डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है यानी पेपरलेस जितने भी काम होंगे वो डिजिटली होंगे पेपरलेस बनाएगा कम्प्लीटली इस असेंबली को नेक्स्ट है प्रोफेसर श्रीपति टुडू ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रांसलेटेड द कंस्टीट्यूशन इनटू टू चिक्की स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया थ्रू दिस पीपल हु नो संथाली लैंग्वेज विल हैव एक्सेस टू द कंस्टीट्यूशन यानी कि जो प्रोफेसर श्रीपति टुडू हैं उन्होंने क्या किया कि कंस्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया है ओ आई चिक्की स्क्रिप्ट में और इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो लोग संथाली लैंग्वेज जानते हैं वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे समझ पाएंगे नेक्स्ट है जी आर आई फ्रॉम महाराष्ट्र हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉ द पार्क स्ट्रेट्स सी इज थर्टीन ईयर्स ओल्ड एंड कंप्लीटेड दिस फीट सक्सेसफुल बाई कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी नाइन किलोमीटर्स इन थर्टीन आवर्स एंड टेन मिनट सो जी आर आई यंगेस्ट स्विमर हैं जिन्होंने सबसे कम समय में पार्क स्ट्रेट को uh, पार किया है सो so, टाइम इन्होंने लिया है थर्टीन आवर्स टेन मिनट जी आर आई फ्रॉम महाराष्ट्र नेक्स्ट है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड अनाउंस टू ऑब्जर्व फिफ्थ एज नेशनल डॉल्फिन डे सो नेशनल डॉल्फिन डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा फिफ्थ अक्टूबर को फिफ्थ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाएगा नेशनल डॉल्फिन डे नेक्स्ट है द रेड फूड फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन न्यू डेली फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू थर्ड अप्रैल अंडर दिस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इंडियाज हेरिटेज आर्ट कल्चर एटसेट्रा वेयर बी ऑर्गेनाइज सो भारत भाग्य विधाता प्रोग्राम कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रेड फूड फेस्टिवल के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन न्यू दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया है भारत भाग्य विधाता प्रोग्राम नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट साइड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस विल बी सेट अप एट शिमला बाय हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द सेंटर विल ट्रेन एथलीट्स इन बाईसाइकिल मोटर क्रॉस एंड माउंटेन टेर बाइकिंग सो द फर्स्ट नेशनल द फर्स्ट सई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पर खुल रहा है शिमला में खुल रहा है और ये ज्वाइंट वेंचर uh, है हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स का नेक्स्ट है यूनियन इन्वामेंट मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ज्वाइंटली रिलेस्ड अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन रिजर्वेशन ऑफ थर्टीन मेजर रिवर्स सो थर्टीन मेजर रिवर के रिजर्वेशन के लिए रिपोर्ट निकला है इनका गया है यूनियन इन्वायमेंट मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के द्वारा नेक्स्ट है

यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कहाँ खोला जा रहा है गांधीनगर गुजरात में नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थर्ड एडिशन ऑफ जेंडर संवाद इट वॉज ऑर्गेनाइज अंडर दीनदयाल अंतोदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जेंडर संवाद ठीक है नेक्स्ट है द डेल्ही गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ मेगा कैंपेन फॉर अर्बन फार्मिंग अंडर दिस पीपल विल भी इनकरेज टू ग्रो वेजिटेबल एट होम द गवर्मेंट विल ऑल्सो ऑर्गनाइज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर द सेम सो अर्बन फार्मिंग को मोटिवेट करने के लिए मेगा कैंपेन लॉन्च करने वाला यूटिकॉन है डेली नेक्स्ट है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेस रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो रिलीज बाय स्कॉच ग्रुप अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिपल लेवल द फर्स्ट प्लेस इज होल्ड बाय आंध्र प्रदेश एंड सेकेंड प्लेस इज हेल्प बाय वेस्ट बंगाल सो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग जो 2021 की है उसमें पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश को और दूसरा स्थान पाया है वेस्ट बंगाल ने नेक्स्ट देखते हैं वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम वुमेन एट द रेट रेट वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा और ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोवाइड नेसेसरी इंप्लॉयमेंट टू फाइव लैक एजुकेटेड वुमेन बाय द ईयर 2026 सो बाय द ईयर 2026 प्रोवाइड uh, करना uh, है पाँच लाख एजुकेटेड वुमेन को एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट है आई आई टी हैदराबाद डेवलप्ड स्मार्ट वेंटिलेटर कॉल्ड जीवन लाइट सो जीवन लाइट क्या है तो यह है स्मार्ट वेंटिलेटर जीवन लाइट स्मार्ट वेंटिलेटर है और इसे डेवलप किया है आई आई टी हैदराबाद ने इट कैन भी कंट्रोल हेल्प ऑफ स्मार्टफोन ऐप नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इनाग्रेटेड द स्टेट फर्स्ट ड्रोन स्कूल एट ग्वालियर सो एम का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला जा रहा है ग्वालियर में इन मध्य प्रदेश फोर मोर ड्रोन स्कूल्स विल बी ओपन इन एडिशन टू दिस फर्स्ट ड्रोन फेयर कहाँ लगा था ग्वालियर में फर्स्ट ड्रोन शो कहाँ हुआ था लखनऊ में एंड फर्स्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप किया था आई आई गुवाहाटी ने नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इन पुणे द सिटी विल बी नेम्ड इंद्रियानी मेडिसिटी ट्वेंटी फोर डिफरेंट हॉस्पिटल विल भी सेटअप इन द सिटी सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फर्स्ट मेडिकल सिटी बनाया है पुणे को अनाउंस किया है बनाने का पुणे को पहला मेडिकल सिटी और इसका नाम होगा इंद इंद्रानी इंद्रयानी मेडिसिटी और 24 डिफरेंट हॉस्पिटल यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे इस पर्पस के लिए नेक्स्ट है इंडियन रेलवे हैज कमीशन द फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट थापर नगर झारखंड इन आसनसोल डिवीज़न सो so, इंडियन रेलवे का जो आसनसोल डिवीज़न है वहाँ पर फर्स्ट इंडियन रेलवे ने कमीशन किया द फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पर थापर नगर झारखंड में दिस इज इन लाइन विद द गतिशक्ति स्कीम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द बजट 2022 ट्वेंटी थ्री इट वाज अनाउंस टू ओपन 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल सो ये बजट का हाईलाइट है हंड्रेड मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कमीशन करना है इंडियन रेलवे को नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी सेटअप एट गुरुग्राम इन हरियाणा द सेंटर विल प्रोमोट एजुकेशन प्रोग्राम्स इन coordination with ancient and modern knowledge so world peace center ja rahe, hari, Guru, Guru Gram, mein, to promote education program in coordination with ancient and modern knowledge next step the bihar government has announced that it will take digital documents related to land including maps to the people of state

हैज़ बिकम द फर्स्ट एल ए बी यानी लीनियर अल्काब इंजिन कंपनी इन द वर्ल्ड टू रिसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन सो पहला लीनियर एल्किजिन कंपनी तमिलनाडु पेट्रोल प्रोडक्ट लिमिटेड पहला कंपनी बना है जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिला है नेक्स्ट है उड़ीसा हैज़ सिक्योर्ड द टॉप पोजिशन इन ऑल इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन अंडर मिशन इंद्रधनुष उड़ीसा अचीव नाइन्टी पॉइंट फाइव परसेंट कवरेज अंडर दिस मिशन सो मिशन इंद्रधनुष में मैक्सिमम वैक्सीनेशन uh, करने वाला स्टेट कौन सा है तो वो है ओडिशा नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इन बेंगलुरु कर्नाटका इट सेम इज टू प्रमोट इनोवेशन इन इंडिया थ्रू ए सो पहला ए रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई के द्वारा लॉन्च किया गया है नेक्स्ट है इंडियाज़ मुंबई सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन एशिया टू सेट अ टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050. फिफ्टी so, सो मुंबई पहला ऐसा सिटी बना है साउथ एशिया का जिसने अपना टारगेट सेट किया जीरो कार्बन एमिशन का और वो है 2050 इंडिया का क्या टारगेट है आप कमेंट करके जरूर बताएं कब तक का टारगेट है नेक्स्ट है इंडियाज लॉन्गेस्ट शिप एवर एम वी रामा बिस्मिल अराइव्ड एट पांडू पोर्ट इन गुवाहाटी फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन हल्दिया वेस्ट बंगाल द लेंथ ऑफ दिस सिप इज़ नाइन्टी मीटर्स एंड द वि इज सिक्स मीटर तो इंडिया का लॉन्गेस्ट सिप कौन सा है एम वी रामा बिस्मिल नेक्स्ट है इंडियन आर्मी announces सेटिंग अप ऑफ चेयर ऑफ Excellence इन न्यू Delhi इन honor ऑफ जनरल बिपिन रावत सो चेयर ऑफ Excellence किसके ऑनर में सेटअप किया जा रहा है और किसके द्वारा तो इंडियन आर्मी के द्वारा सेटअप किया जा रहा so, है चेयर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली दिल्ली में इन ऑनर ऑफ जनरल बिपिन रावत नेक्स्ट है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड हैज़ बिकम इंडिया लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बाई प्रोड्यूसिंग वन मिलियन टन्स ऑफ कोल इन द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 वन महानदी कोल फील्ड लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी बन गई है इंडिया की कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी Next, the Union Road Transport Minister Nitin Gadkari launched India's first green hydrogen fuel cell electric vehicle, Toyota Mirai. It its aim is to help make the country carbon free. So, India's first green hydrogen fuel cell electric vehicle, ka Toyota Mirai. Next, Kerala will be the first state in India. टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर एट सेलेक्टेड लोकेशन इन द फर्स्ट पेज कार्बन न्यूट्रल कल्टिवेशन विल भी डन इन थर्टीन फार्म सो पहला कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर स्टार्ट करने वाला स्टेट कौन बन रहा है केरला सो केरला गवर्नमेंट ने छः करोड़ इसके लिए अपने बजट दो हजार बाईस तेईस में एलोकेट किया है कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर के लिए नेक्स्ट है द गवर्मेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ रिलीज अपना कांगड़ा ऐप विच एम्स टू प्रमोट द सेल ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट मैनुफैक्चर बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप सो अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य का है हिमाचल प्रदेश का है ठीक है परपज क्या है प्रोमोट द सेल ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट मैनुफैक्चर बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप नेक्स्ट है फिश सेतु ऐप रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू दिस द फिशर मैन विल बी मेड अवेयर ऑफ एक्वेटिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी तो फिश सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द माई राशन मोबाइल ऐप टू आइडेंटिफाई अ फेयर प्राइस ऑफ टू द बेनिफिशियरी ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड टू फैसिलिटेट द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम माईडासन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका लॉन्च लॉन्चेज इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेडियम पहला डिजिटल फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वरियम कर्नाटका ने लॉन्च किया है दिस वाटर डाटा बैंक विल कलेक्ट अ लिस्ट ऑफ वाटर डाटा रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइड रिलायबल इन्फॉर्मेशन ऑन वाटर द गवर्मेंट ऑफ गुजरात नेक्स्ट है द गवर्मेंट ऑफ गुजरात लॉन्च इज द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट स्पोर्ट्स टैलेंट इन द स्टेट सो न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने वाला राज्य कौन सा है तो वो है गुजरात नेक्स्ट है एज पर द रिपोर्ट रिलीज द स्टेट ऑफ केरला रिकॉर्डेड द लोवेस्ट मैटरनल मोटेलिटी रेशियो दैट इज थर्टी पर लाख सो केरला का लोवेस्ट स्टेट मैटरनल मोटेलिटी रेशियो है एम एम आर वो है थर्टी पर लाख इन द कंट्री और इंडिया का क्या है एक सौ तीन पर लाख हर एक लाख में एक सौ तीन जो uh, औरतें हैं जिनका uh, जिनकी मृत्यु हो जाती है मेटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मतलब बच्चे के जन्म के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है वैसे ये जो आंकड़ा है वही दिखाता है एम एम आर और ये लोवेस्ट है इंडिया में केरला का नेक्स्ट है सागर परिक्रमा एज पार्ट ऑफ द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग फ्रॉम श्याम जी कृष्णा वर्मा मेमोरियल इन गुजरात ऑन मार्च फाइव एंड इट्स एंडिंग ऑन मार्च सिक्स इन एट पोरबंदर ज्वाइंटली स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजरात फिशरीज डिपार्टमेंट एंड इंडियन कोस्ट गार्ड एट्सेट्रा सो so, सागर परिक्रमा क्या है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है जिसमें सागर परिक्रमा को भी एक प्रोग्राम रखा गया है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है श्याम जी कृष्णा वर्मा मेमोरियल गुजरात से और ख़त्म कहाँ हो रहा है पोरबंदर गुजरात में छः पाँच मार्च को शुरू होगा छः मार्च को खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव है टू यूनाइट द फिशिंग कम्युनिटी ऑफ द कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया एंड टू प्रमोट फिश प्रोडक्शन और अदर सी फूड एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल एम्बुलेंस वॉज लॉन्च्ड इन चेन्नई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स रूमिंग ऑन द रोड्स सो इंडिया का पहला मोबाइल एम्बुलेंस जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया कहाँ पर चेन्नई में नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज हैज़ डिवलप्ड अ सेफ्टी सिस्टम कॉल्ड कवच टू प्रोटेक्ट रेलवे फ्रॉम एक्सीडेंट दिस टेक्नोलॉजी विल स्टॉप द ट्रेन बिफोर एनी एक्सीडेंट सो कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा टू प्रीवेंट एक्सीडेंट्स नेक्स्ट है डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अंडर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना सो डोनेट अ पेंशन प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का पार्ट है अंडर उसी के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है परपज अंडर दिस एनी पर्सन कैन डोनेट द प्रीमियम कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर्स वर्किंग अंडर देम नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क विथ हंड्रेड परसेंट फीमल ओनरशिप हैज़ बिन ओपनड एट हैदराबाद तेलंगाना सो पहला इंडस्ट्रियल पार्ट विथ हंड्रेड परसेंट फीमेल ओनरशिप हैदराबाद तेलंगाना में ओपन किया जा रहा है खोला जा रहा है दार्क हैज़ बिन सेटअप बाय एफ आई सी सी आई लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फीसी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इन कोलाबरे विद द तेलंगाना गवर्नमेंट द गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट विल प्रोवाइड एन एडिशनल टेन परसेंट सब्सिडी टू वेमेन एंटरप्रीन्यर नेक्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि एलेवन पॉइंट सेवन वन लाख अर्थन लैम्प वेल लिड इन उज्जैन महा मध्य प्रदेश इंक्लूडेड इन द गिज वर्ल्ड रिकॉर्ड नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड आरोग्य वनम इन न्यू डेली विथ एन एम टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स एंड इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ द आरोग्य वनम कंसिट कंसिस्ट ऑफ टू हंड्रेड फिफ्टीन आयुर्वेदिक प्लांट सो आरोग्य वन न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया आरोग्य वन का टू प्रमोट आयुर्वेदिक प्लांट्स एंड इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गनाइजे ऑर्गेनाइज झरोखा प्रोग्राम टू प्रमोट इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट एंड कल्चर द प्रोग्राम विल बी हेल्ड एट सिक्सटीन लोकेशंस एक्रॉस थर्टीन स्टेट्स द फर्स्ट इवेंट वॉज हेल्ड इन भोपाल सो झरोखा प्रोग्राम का पहला इवेंट भोपाल में हुआ है और ये प्रोग्राम सोलह डिफरेंट लोकेशन पर होगा झरोखा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और क्या पर्पज है तो प्रमोट करेगा हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ द कंट्री नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वॉज इनोग्रेटेड एट थुथुकुडी इन थुथु इन तमिलनाडु ठीक है तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो इनोग्रेट किया गया है उसे कहाँ किया गया थुथू इन तमिलनाडु द प्लांट कैन जनरेट फोर्टी टू मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिस एनुअली द प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड नेक्स्ट है द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बिंग कंस्ट्रक्टेड एट बोध गया इन बिहार थे स्टैचू इज थर्टी फिट हाई एंड हंड्रेड फिट लॉन्ग स्कल्पचर इसका बनाने वाले का नाम क्या है तो मिंटू पॉल ठीक है टॉलेस्ट स्टैचू uh, है स्लिपिंग पोजिशन में स्लिपिंग पोजिशन में एक, एक स्टैचू और है पहले से लॉर्ड बुद्धा का वो है कुशीनगर में नेक्स्ट है द बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई हैज़ सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज ई वी चार्जिंग स्टेशन इन न्यू डेली तो फर्स्ट स्मार्ट मैनेज ई वी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर ओपन हुआ है तो सेटअप किया जा रहा है तो न्यू डेली में दिस स्टेशन कैन चार्ज अप टू फाइव इलेक्ट्रिक वही इलेक्ट्रिक व्हीकल एट द सेम टाइम नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड विल्स द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन पुणे द स्टैचू इज नाइन पॉइंट फाइव फिट हाई एंड इज मेड ऑफ गन मेडल सो छत्रपति शिवाजी का स्टैचू अनवील किया गया कहाँ पर पुणे महाराष्ट्र में और ये गन मेडल से बना है साढ़े नौ फीट इसकी हाइट है नेक्स्ट है द डेली गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कूल हेल्थ क्लिनिक टू चेक द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन सो फिजिकल और मेंटल हेल्थ बच्चों को चेक करने के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक कहाँ सेटअप किया जा रहा है तो वो दिल्ली में सेटअप किया जा रहा है नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर वुमेन इन त्रिपुरा सो अमित शाह ने अनाउंस किया थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन वुमेन के लिए गवर्नमेंट जॉब में त्रिपुरा में नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द ओपनिंग ऑफ अ ग्लोबल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट जामनगर इन गुजरात टू प्रमोट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इट विल सेटअप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आई सो अ ग्लोबल सेंटर ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जामनगर गुजरात में सेटअप किया जा रहा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयोष के अंडर में सेटअप किया जा रहा है नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन डॉलर वन ट्वेंटी फाइव मिलियन लोन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू हेल्प पुअर ग्रुप्स इन वेस्ट बंगाल टू एक्सेस सोसाइट सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज सो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज के फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक सौ पच्चीस मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ नेक्स्ट है द फॉर द फर्स्ट टाइम द कोर्ट हैज कंस्टीट्यूटेड अ फुल बेंच ऑफ वेमेन जजेज ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वमेंस डे द बेंच विल हेयर द पिटीशन फाइल्ड बाई द स्टेट सो फुल वेमेन बेंच जो है जजेस का वो कंस्टिट्यूट किया गया है फर्स्ट टाइम केरला हाईकोर्ट में ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वेमेंस डे नेक्स्ट है द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अनाउंसेज सेटिंग अप ऑफ इट्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर एट हैदराबाद इन तेलंगाना रिलायंस इंडस्ट्रीज नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग एंड कल्चरल हब इन मुंबई विच हैज़ बिन नेम्ड एज जियो वर्ल्ड सेंटर तो जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ सेटअप किया गया है रिलायंस के द्वारा तो वो है मुंबई में मुंबई में इट विल बी अ मल्टी डायमेंशनल डेस्टिनेशन विथ मेनी फैसिलिटीज़ लाइक अपार्टमेंट्स रेस्टोरेंट कैफेज ऑफिसेज शॉप कल्चरल सेंटर्स एट्सेट्रा सो इसी के साथ हमारा मार्च का करेंट अफेयर्स का रिविजन समाप्त होता है होप यू लाइक द वीडियो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग